बिहार बोर्ड के इंटर की 2021 की प्रैक्टिकल परीक्षा 9 से 18 जनवरी के बीच होगी। इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक चलेगी, जिसमें 13 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे। वहीं मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी के बीच होगी। इसमें 15 लाख के लगभग परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बार बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के छोटे और बड़े प्रश्नों में विकल्पों की संख्या दुगनी कर दी है, जिससे छात्रों को सहूलियत हो सके। कोरोना काल में पढ़ाई बिल्कुल ही ठप थी। इंटरनेट से पढ़ाई कर पाना सभी छात्रों के लिए संभव भी नहीं था। इतना ही नहीं, बिहार बोर्ड के छात्र लगातार सोशल साइट के माध्यम से परीक्षा के लिए और समय मांग रहे हैं। छात्रों की मांग है कि CBSE बोर्ड के तर्ज पर ही बिहार बोर्ड के छात्रों को भी समय मिलना चाहिए। बिहार तक लगातार बिहार बोर्ड के सभी अपडेट छात्रों तक पहुंचा रहा है। बिहार तक आपको यह जानकारी भी दे रहा है कि इस बार फाइनल एग्जाम में कितने सवाल किस विषय में आने वाले हैं। मैट्रिक में साइंस से 110 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न 80, छोटे उत्तर वाले प्रश्न 24, बड़े उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या 6 रहेगी। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए अच्छी बात यह है कि इस बार उन्हें सिर्फ 79 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं। वहीं मैथ की बात करें तो 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 30 छोटे उत्तर वाले और 8 बड़े उत्तर वाले प्रश्न होंगे। इसमें से सिर्फ छात्रों को 69 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। अब आपको 12th यानी इंटर की परीक्षा के बारे में बताते हैं। इंटर की परीक्षा में इस बार मैथ में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से 69 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। वही इंटर के जीव विज्ञान की परीक्षा में कुल 96 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 70, छोटे उत्तर वाले प्रश्न 20 और बड़े उत्तर वाले 6 सवाल शामिल होंगे। इसमें से 48 सवालों का जवाब देना होगा। इसकी जानकारी बोर्ड ने मॉडल पत्र जारी कर बताया है। बोर्ड ने ये बदलाव इंटर और मैट्रिक के सभी विषयों में किया है। हालांकि इन बदलाव के बावजूद भी छात्र लगातार परीक्षा की डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।